बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ट्रेंड पी के यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने जो सेलफोन पड़ा हुआ है, ये है जनाब शाओमी का नया सेलफोन रेडमी 13। और रेडमी 13 जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है पाकिस्तान में, और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं जो इसको ख़ास बनाती हैं इसकी प्राइस के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके दो वेरिएंट एक्चुअली पाकिस्तान में लॉन्च किए गए हैं, एक 8 GB रैम 128 GB मेमोरी वाला और एक 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाला। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इस सेलफोन की या किसी भी सेलफोन की मुकम्मल स्पेसिफिकेशन देखनी है और लेटेस्ट प्राइसेस देखनी है तो हमारी वेबसाइट है www.newmobileprice.pk, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से विजिट करें और अपने लिए एक अच्छा फोन डिसाइड करें। तो चलिए जनाब वीडियो की जानब बढ़ते हैं और रेडमी 13 की बात कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल हाल ही में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। ये शाओमी का नया मॉडल है और ये दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, रेडमी 13 8 GB रैम 128 GB मेमोरी और रेडमी 13 8 GB रैम 256 GB मेमोरी। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस प्राइस में जो आपको स्पेसिफिकेशन दी जा रही हैं वो कैसी हैं। तो रेडमी 13 8 GB रैम 128 GB की जो ऑफिशियल कंपनी प्राइस है वो है जनाब 40,039,999 40,000 रुपये। और 8 GB रैम 256 GB मेमोरी वाला जो सेलफोन है उसकी प्राइस है 43,000 और 43,000 में जो है 8 GB 256 GB मिल रहा है और 8 GB 128 GB आपको 40,000 की ऑफिशियल प्राइस में देखने को मिलेगा। इसमें जब आप बाय करने जाएंगे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको मैं इनकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। इसमें जो कैमरा लवर्स हैं उनके लिए खास बात है, और चलिए मैं आपको वन बाई वन सारी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ और साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम है और 205 ग्राम इस सेलफोन का वेट है। 4 कलर्स में ये सेलफोन आता है और 4G सपोर्टेड सेलफोन है, डुअल सिम सपोर्टेड सेलफोन है। अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें इस सेलफोन में शाओमी ने एक नया जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक का वो लगाया है, और वो है मीडियाटेक G91 Ultra। यानी इससे पहले हमने G85, G88 और G96 और G99 देखे थे, ये उनके बीच का एक प्रोसेसर है G91, ठीक है। G91 Ultra का जो है वो प्रोसेसर लगाया गया है, 1080x2460 की HD रेजोल्यूशन है, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है और 90Hz का रिफ्रेश रेट है। खास बात ये है कि ये सेलफोन फ्रंट से और बैक से ग्लास का है, और इस सेलफोन की जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ भी ये सेलफोन आता है। 8 GB रैम 128 GB मेमोरी और 8 GB रैम 256 GB मेमोरी के साथ ये सेलफोन आता है। 8 GB रैम आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये इसके अगर कैमराज की तरफ जाएं तो वहाँ पर कैमरा लवर्स के लिए खुशखबरी है, 108 MP का बैक कैमरा है इस सेलफोन में रेडमी 13 में, जो कि एक बहुत बड़ा कैमरा है। और अगर कैमरा लवर्स जो है वो जो लोग कैमरा को खासतौर पे पसंद करते हैं तो इस प्राइस में 108 MP का कैमरा जो है रेडमी ने दे दिया है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और 13 MP का इसका सेल्फी कैमरा है। PUBG वगैरह भी ये सेलफोन अच्छा जो है ऑपरेट करता है, और उसके साथ साथ अगर आम यूज़र ने यूज़ करना है तो उसमें ये कैमराज जो है इसको बड़ा खास बनाते हैं। बैक एंड फ्रंट ग्लास जो है और G91 का प्रोसेसर जो है ये रेडमी 13 को काफ़ी खास बनाता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 5030 mAh की बैटरी है और 33 W की फास्ट चार्जिंग है, 33 W की फास्ट चार्जिंग को भी सेलफोन सपोर्ट करता है। तो ये सेलफोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। जैसा कि आपको पता है कि 40,000 या 43,000 की प्राइस में आपको 8 GB 256 GB के साथ ये स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, तो इसमें जो चीज़ अगर रह जाती है तो वो डेफिनेटली आपका अगर बजट 55,000 से ऊपर है तो वो एमोलेड डिस्प्ले है जो कि रह जाता है। बाकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशन जो है वो इस प्राइस टैग को जस्टिफाई करती हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से इसकी जो है वो रेडमी 13 की प्राइस को और स्पेक्स को रिपीट किए देता हूँ। 8 GB रैम 128 GB मेमोरी, रेडमी 13 जो है वो 40,000 की ऑफिशियल प्राइस में है और 8 GB 256 GB ये 43,000 की ऑफिशियल प्राइस में है। इसके बाद 5030 mAh की, 5000 mAh की पहले बैटरी आती थी, 5030 mAh की बैटरी है, 33 W का फास्ट चार्जर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, टाइप सी के साथ आता है और टाइप सी चार्जर है सॉरी
और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके अलावा 108 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है और 13 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है। 1080x2460 की HD रेजोल्यूशन है, 6.8 इंचेस का डिस्प्ले है और मीडिया टेक हीलियो G91 अल्ट्रा का प्रोसेसर है। तो ये सेल फोन काफ़ी ज़बरदस्त सेल फोन है, रेडमी ने एक अच्छा सेल फोन मुतारफ कराया है और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी प्राइस एंड स्पेक्स अच्छी लगी होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट है newmobileprice.pk, उसको विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।